हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पप्पू करियर गाइड, अ कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड्स। तो फ्रेंड आज को बात करने वाले हम लोग विप्रो के तीन अपडेट्स को लेकर आज को बात करेंगे। पहला फ्रेंड आपका ऑफर लेटर को लेकर, अटेंडम ऑफर लेटर रिजल्ट को लेकर बात करने वाले हैं। और यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे थर्ड फेज आपका आपका जो फ्रेंड एग्जाम कब से स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बता दो फ्रेंड यहाँ पर जो है विप्रो का आप लोग फर्स्ट फेज बोल सकते हो, सेकेंड फेज भी आप लोग बोल सकते हो। यहाँ पर जो है ऑफर लेटर आना चालू हो गया है। तो यहाँ पर आपको फिर देखने मिल रहा होगा अडेंडम लेटर, प्लीज क्लिक ऑन द लिंक बिलो टू रिव्यू एंड एक्सेप्ट योर अडेंडम लेटर एट द अर्लीस्ट यूजिंग अ डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। यू विल नॉट एबल टू सेव अडेंडम कॉपी इफ यू ओपन द बिलो लिंक थ्रू अ मोबाइल फोन। सो प्लीज डोंट क्लिक द पर्टिकुलर गिवन लिंक यूजिंग योर मोबाइल फोन। और एक बात और बता दूं फ्रेंड, जब भी आप लोग ऑफर लेटर को एक्सेप्ट करते हो तो जस्ट ट्राई टू व्हेन एवर यू आर क्लिकिंग द गिवन लिंक टू एक्सेप्ट योर ऑफर लेटर डोंट क्लोज द ब्राउजर। ओके, क्योंकि बीच में अगर आप लोग ब्राउजर को क्लोज करते हो आपका ऑफर लेटर कैंसिल हो जाएगा। सो व्हेन एवर यू आर रेडी टू एक्सेप्ट योर विप्रो ऑफर लेटर एट द टाइम यू जस्ट क्लिक द लिंक एंड रीड द टर्म एंड कंडीशन विप्रो पॉलिसीज etc. एंड जस्ट एक्सेप्ट इट। हियर यू कैन सी वन ऑफ सब्सक्राइबर गॉट 31st May एंड वन ऑफ सब्सक्राइबर गॉट टुडे 10th June। ओके, and you can see all the steps, like, sir, what are the steps? Just click on the accept button, click on signature check below and click on submit and print it and click on web browser, control P and save as PDF, that's it. बस और कुछ भी नहीं करना होगा। फिर देखिए तो we request you to accept ICMI addendum letter by 11th June। मतलब कि फिर बता दूँ आपके सामने एक दिन का टाइम दिया गया एक्सेप्ट करने के लिए, तो आप लोग मेक श्योर करना 11 जून एंड ऑफ द डे के पहले आपको एक्सेप्ट कर लेना होगा। ठीक है, तो बाकी आप लोग को तो पता ही फिर ऑफर लेटर वगैरह। ठीक है, तो यह विल पे वालों को भी देखने को आ रहे हैं और आपका जो है सिस्टम जो आपका एलियट था उसको भी देखने को आ रहे हैं। ठीक है, तो पेंडिंग जितना भी रिजल्ट था फिर डिक्लेयर होना चालू हो गया। सर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपका लोग का ऑरिजिनल ऑफर लेटर आएगा, ऑफर आपका बीजेसी प्रोसेस आएगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, फिर ज्वाइन लेटर आएगा, दैट्स इट। ओके, और फिर ये रहा फिर आपका विप्रो विल्प का रिजेक्शन मेल, आपको देखने मिल रहा होगा रिजेक्शन। ओके, और ये रहा फिर आपका विप्रो विल्प का असेसमेंट रिजल्ट, आपका जो है यहाँ पर शॉर्टलिस्ट होता है ऑनलाइन असेसमेंट राउंड, प्लीज बी इनफॉर्म दैट नेक्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस दैट इज वर्चुअल बिजनेस डिस्कशन राउंड विल बी शेड्यूल्ड शॉर्टली थ्रू सुपरसेट प्लेटफॉर्म। तो यस, तो यहाँ पर फिर रिजल्ट जो 29th May को हुआ था आपका, 29th और 30th May को आपका एग्जाम जो हुआ था विप्रो का, तो रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। अब थर्ड बात करते हैं, सर व्हेन विप्रो फेज थ्री एग्जाम विल स्टार्ट, स्टिल आई एम नॉट गेटिंग एनी मेल आफ्टर दैट। सी एज पर द नोटिफिकेशन इस पर दावा लाइक जो मैंने अभी तक मैंने बात करा है किस तरह से, ठीक है, काफ़ी मैंने एचआर को मेल भी करा था। ठीक है, तो जो मेरे पास अपडेट आ रहा फ्रेंड वो फ्रेंड जब का जो होने वाला फ्रेंड 20th June ऑनवर्ड्स आपका एग्जाम होने वाला है फॉर विप्रो फेज थ्री का, मैं बता रहा हूँ फ्रेंड। ठीक है, तो 20th June ऑनवर्ड्स हु ऑल आर अप्लाइड एंड हुज प्रोफाइल इज गोइंग टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द फर्दर राउंड दोज कैंडिडेट्स विल रिसीव योर असेसमेंट लिंक। ओके, जो यहाँ पर क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, जो 3 और 6 months का जो विप्रो का जो क्राइटेरिया था अगर आप लोग उसे फुलफिल कर रहे हो तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपको डाउट रहता है सर अडेंडम ऑफर लेटर क्या होता है? देखो अडेंडम लेटर इज जस्ट लाइक योर ऑफर लेटर बोल सकते हो, इसमें कुछ पॉलिसीज वगैरह रहती है, कुछ आपका टर्म एंड कंडीशन होता है, बस एक्सेप्ट करना है, दैट्स इट, बस ये अडेंडम ऑफर लेटर। ओके, तो आई थिंक वीडियो को डाउट अच्छा लगा लाइक करना, कुछ डाउट है कमेंट पूछ सकते हो, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, एंड प्लीज वीडियो को आप लोग दोस्तों जरूर शेयर करना, और चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ आपको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर क्लिक कर देना।